जय हिंद मेरे भाइयों, सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों, मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट में पूछ रहे थे, सर अब हमारा जो ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें किस तरह की मेडिकल होता है, तो उसकी बारे में बहुत सारे मेरे को कमेंट आ रहे थे। तो इसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, भाई आप लोग का कैरियर बनाने के लिए मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपकी तक पहुँच जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात बता देता हूँ भाई, मैं बहुत जल्दी मेरे ये यूट्यूब चैनल में, यूथ आइकन कैरियर एकेडमी चैनल में, मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो भाइयों, इसमें एसएससी जीडी और ट्रेड्समैन से लेकर आर्मी जीडी और आर्मी क्लर्क सारे प्रकार की क्वेश्चन और सारे प्रकार की कोर्स की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मेरे तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, अभी कम से कम 70,000 से 80,000 करीब खर्चा करना पड़ेगा, एक लैपटॉप और उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो ज़रूरत पड़ेगा। तब तक थोड़ा एक महीना मेरे को टाइम दीजिए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे तो कोर्स का कुछ फी रहेगा, कुछ पैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से एक भी रुपया नहीं लूँगा, पर मैं आप लोगों के लिए फ्री में क्लास करवाऊँगा, 100% जो बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्री में क्लास करूँगा, पर मुझे कुछ टाइम दीजिए जब तक मैं ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और सेटअप ना बना दूँ। क्यों, आप लोग जानते हो भाइयों, मैं आप लोगों के लिए फ्री में सफाई कर्मचारी की क्वेश्चन पेपर बना के हर बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड किया हूँ, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए अपलोड किया हूँ फ्री में, आप देख रहे होंगे कई प्रकार की यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों से पीडीएफ फाइल की और पैसा लेने लगे, 200 रुपया 250 रुपया ये क्वेश्चन पेपर के लिए, ये सफाई कर्मचारी के लिए, वो के लिए, उसके लिए पैसा ले। तो मैं आप लोगों से एक भी रुपया ले लूँगा, फ्री में क्लास कराऊँगा, बस आप लोग क्या करना है मेरे को सपोर्ट कीजिए जब तक मैं सेटअप ना बना दूँ। सेटअप बनाने के बाद मेरे को बस खाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चले भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले और एक बार अभी सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। अभी ऐसा है, अब आज बात करेंगे भाई किसका सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल हार्ड होता है। भाई मेडिकल का बात बोलना चाहता हूँ, भाई आप लोग ऐसा मत सोचो मेडिकल सबका समान होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये फिजिकल हैंडीक्राफ्ट इसको एग्जाम नहीं दे सकते हैं ट्रेड्समैन की। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जो ड्राइवर और MMB, ठीक है, ड्राइवर और फिटर में जो जाते हैं उन लोग को आंखें सही होना चाहिए। आंखें 6x6 बहुत ही बढ़िया से चेक किया जाता है, क्यों, ड्राइवर का आंखें सही होना चाहिए, क्योंकि आंखें सही रहेगा तो तब तो गाड़ी चलाएगा ठीक से, ठीक है। दूसरा बात है, आप लोग का आंखें सही रहो, कलर विजन नहीं होना चाहिए, यदि कलर विजन ड्राइवर को बिल्कुल होना ही तो नहीं चाहिए ड्राइवर का, ठीक है। दूसरा बात है कान, कान में जैसे किसका, जैसे अपना जो है मांस का जो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो आप लोगों का उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर जैसा, उसमें नहीं होना चाहिए, तो वो कान में वो नहीं होना चाहिए, पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात है नाक में, जैसे वही ट्यूमर जैसा जो होता है आप लोग का दिखाते हैं, उसको नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को ऑपरेशन करके फिट होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात है दोस्तों, आप लोगों का कि दांत बिल्कुल होना चाहिए, और टेढ़ा हो तो ज़्यादा टेढ़ा, ठीक है, कोई बोलते हैं दांत मतलब ज़्यादा टेढ़ा, ज़्यादा टेढ़ा ऐसे नहीं, मतलब दांत का जैसे मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा चलेगा, जैसे 30%, 40%, 50%, जैसे मतलब एक दांत बिल्कुल टेढ़ा भी हो चलेगा, फिर भी कोई बात नहीं, जैसे बिल्कुल दांत ही नहीं है, ठीक है, दांत बिल्कुल नहीं है तो अनफिट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बात है आप लोग का चेस्ट में क्या दोस्तों, आप लोग का एक्सरे किया जाता है, ठीक है, आप लोग का जो क्या है वो आपका रीढ़ की हड्डी सीधा है कि नहीं वो एक्सरे किया जाता है। एक्सरे तो SSCGD में भी किया जाता है, इसमें भी किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मैंने दोनों की मेडिकल में फेस किया हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और कई बार जो भर्ती होता है 2018 में भर्ती में, उस कई प्रकार के भर्ती में हमने खुद दिखे हैं किस तरह की मेडिकल भर्ती होता है। दूसरा बात दोस्तों, हाथ की बात बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों आपका अंगूठा, ठीक है, सीधा होना चाहिए, और दूसरा बात है आपका अंगूठा जैसे पूरा बेंड होना चाहिए, ठीक है, पूरा ऐसे पूरा बेंड होना चाहिए, ठीक है, पूरा बेंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात है आपका जो हाथ जो टेढ़ा मेढ़ा की बात बोल रहे हैं, ठीक है, हाथ की बात बोलता हूँ, देखिए हाथ का ऐसा है कितना परसेंट आपका टेढ़ा है वो दिखा जाएगा, कितना परसेंट आपका टेढ़ा है वो दिखा जाएगा। यदि 60% से ज़्यादा है तो आप लोग को अनफिट कर दिया जाता है, तो 60% 50% कम है तो आप लोग फिट हो जाओगे, वो क्या स्केल लेके मापा जाएगा, ठीक है। बाकी जो नॉकनी के बाद बोल रहे हैं, नॉकनी भी वही कितना परसेंट है वो दिखा जाएगा। वेरिकोज वेन भाई देखो, वेरिकोज वेन कई प्रकार का होता है, ठीक है, नॉर्मल वेरिकोज वेन और कई प्रकार का वेरिकोज वेन, इतनी मोटी मोटी वेरिकोज वेन होता है तो वो उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात है दोस्तों, टैटू भाई जिसका है तो वो
ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा टैटू कहीं भी हो, तो टैटू आप लोग ठीक है, टैटू आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है, टैटू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर प्रकार का आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर जगह में टैटू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैटू होगा तो आप लोग अनफिट हो जाओगे, ठीक है। जैसे आप लोग, दूसरा बात है, आप लोग का बीपी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, यदि बीपी ज़्यादा होगा तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोग का ब्लड प्रेशर से साथ, दूसरा बात है, आप लोग का क्या नहीं होना चाहिए, आप लोग का शुगर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, शुगर नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हाइट पूर वेट भी होना चाहिए। यदि आप लोग SSCGD के, यदि आप लोग मेडिकल अनफिट हो जाते हो तो आप लोग को रिव्यू मेडिकल में भी चांस मिलता है, ठीक है। पर दूसरा बात है दोस्तों, जो पूरा जेन्युइन मेडिकल होता है ना, हार्ड अननेसेसरी बिल्कुल नहीं काटा जाता है ट्रेड्समैन में, सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग ऐसा है अननेसेसरी फालतू का, जैसे आपका हाइड्रोक्सिल है तो हाइड्रोक्सिल में अनफिट है, आपका हाइड्रोक्सिल का ऑपरेशन करके फिट हो जाओगे, तो अननेसेसरी बिल्कुल आप लोग का अनफिट नहीं किया जाता भाई हो। तो मैं वही बात बोलना चाहता हूँ, अननेसेसरी बिल्कुल अनफिट नहीं आता। जैसे मेरे टाइम दिखा था भाई, हमारे टाइम भाई जो डॉक्टर सर जो थे वो बढ़िया से मेडिकल करवा रहे थे पूरा, कुछ लड़कों 6x18 6x12 थे और 6x9, तो उनको कैसे फिट करा सकते हैं, जो भाई गाइडलाइंस, जो रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप लोगों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे बिल्कुल दिखाई नहीं जा रहा है, एक साइड दिखा रहा है, एक साइड 6x6 1x6x18, तो उनको कैसे फिट किया जा सकता है, क्योंकि भाई उसको अभी 20-22 साल 23 साल में एक लड़का को दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब 10-12 साल में उसको क्या दिखाई देगा, वो फौज में नौकरी कर पाएगा, बड़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान दिया जाता है। जैसे आप लोग का एक्सरे किया जाता है, जैसे आप लोग का कुछ भाइयों का टीबी होता है, हड्डी टूटा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन लोगों को भी अनफिट किया जाता है। तो इसमें दोस्तों मेडिकली बहुत ही अनफिट किया, बहुत कम अनफिट किया जाता है, जो जेन्युइन जो प्रॉपर जो अनफिट है उसको अनफिट किया जाता है, नहीं तो अननेसेसरी किसको मेडिकली में फेल नहीं किया जाता है ना हरासमेंट किया जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है भाई। तो आप लोग बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं, यदि आप लोग का कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर है जो है हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में, जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप लोग ये दे सकते हैं, क्या आप लोग मैसेज कर दीजिए और आपका फोटो दे दीजिए, मैं उसका आप लोग का देख लूँगा और रिप्लाई दे दूँगा, भाई ये कितना परसेंट फिट है, कितना परसेंट अनफिट है SSCGD और ट्रेड्समैन आर्मी के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब और एक बात बता देना चाहता हूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूँ। ऑनलाइन क्लास में भाई मैं आप लोगों से एक भी रुपया नहीं लूँगा, जब तक मैं सेटअप ठीक ना कर दूँ तब तक मेरे को थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, ऐसे तो सपोर्ट ही करती हो, तो और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए फ्री में क्लास कराऊंगा, 100% वादा देके बोलता हूँ, आप लोगों के लिए फ्री में क्लास कराऊंगा, ना एक भी रुपया आपसे लूँगा, ठीक है, एक रुपया बिल्कुल आपसे नहीं लूँगा, फ्री में क्लास कराऊंगा। मेरे साथ है गगन सर और मैं, हम दोनों पूरा स्टडी पढ़ाएंगे और फ्री में क्लास करवाएंगे, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे GD हो, ठीक है, चाहे क्लरिकल हो, सारे के सारे हम फ्री में क्लास करवाएंगे, ठीक है भाई, एक भी रुपया हम आपसे नहीं लेंगे। और दूसरा बात है भाई, आप लोगों को बता देता हूँ, कल मैं ड्राइवर की वीडियो डाला था, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को, जो नहीं दिखाए ड्राइवर की वीडियो तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और जो भाई को मैसेज करना है व्हाट्सअप में मैसेज करना, व्हाट्सअप नंबर है, गगन सर का नंबर है, वो भी मेरा नंबर है, ठीक है, उसमें आप लोग क्या करना है, आप लोग बस आप लोग जो कहाँ पे अनफिट है, आपका टेंशन है, चाहे पैर का हो, चाहे आँख का प्रॉब्लम, कुछ भी आप लोग प्रॉब्लम में आप लोग मैसेज कर लो, ठीक है, उसका हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है भाई। चलिए मैं आप लोग का और रिप्लाई तब तक दूंगा भाई, आप लोग आज रात 8 बजे तक, ठीक है, 8 बजे तक मेरे को भेजते रहेंगे, ठीक है, अभी तो टाइम हो गया 12 और 8 घंटा टाइम है, 8 बजे तक आप लोग मेरे को आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है भेजते रहिए, मैं आप लोग का प्रॉब्लम्स का हल बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाइयों।